3:45 पे टूर्नामेंट में बैठी है। हाँ। 10 घंटे करके जो बहादुर का प्राइज उठाया वो इसकी भेज में पाया पौने 10 घंटे गर्मी के अंदर। वो पठान भी है, पठान दिखाऊंगा जो 4:40 का गर्मी में बैठा था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खैर कादर फ्यूजन। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज अपन अवेलेबल हैं भोपाल मुरली नगर दोस्तों और करोत, और जिसके हम सेटअप पर अवेलेबल हैं दोस्तों। पहले सेटअप देख लें माशाल्लाह, आप लोग ये चेक करें। आबिद भाई, आबिद कुरैशी भोपाल वाले दोस्तों ये रहे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत? जी भाईजान, मेरा तो खैरियत है, और आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सब बढ़िया है। और ये देखें दोस्तों आबिद भाई के यहाँ का पूरा सेटअप, नज़ारा भी दिखाएंगे माशाल्लाह। पहले जो है आबिद भाई से कुछ चंद बातें करते हैं। तो आबिद भाई बताइए जरा, आपने जो कि अपनी जो स्टोरी रही है, क्या स्टोरी वगैरह रही है, आपने कितने जो टूर्नामेंट वगैरह उड़ाए हैं, और आपके उस्ताद जो कौन हैं, ये सारे हमारे व्यूवर्स को बताइए अपने। मसला ये है कि अपन ने उड़ाना जो है ना भाई 2014 से चालू करा है। शौक तो बचपन ही था, कबूतर भी थे नाना के पास से, कबूतर थे अपने पास। अच्छा। हाँ, उसके बाद घर में बड़े भाई के पास आए और फिर बड़े भाई का शौक अपन को लग जाए। अच्छा। तो उसके बाद काफ़ी टूर्नामेंट में नंबर लगे, अल्लाह का शुक्र है, और बैक टू बैक सर्दियों में भी लगे। फिर उसके बाद गर्मी, सर्दी उड़ाना बंद करी तो गर्मियों में भी लगे। अच्छा। अभी हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, ये आप बोलो आप बोलो। ये पिछले 2 साल से तो अपना भाई तीसरा टूर्नामेंट में, 3 साल से बल्कि एक में सेकंड और 2 में 3rd, और माशाल्लाह कबूतर भी अपने इम्प्रूव कर रहा है उड़ान के अंदर, जो अपनी उड़ानें चल रही हैं। पहले 47 घंटे कुछ मिनट 7 कबूतरों के बने थे, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पिछले साल अपने 6 कबूतरों के 48 घंटे 47 मिनट बने, और बस माशाल्लाह भोपाल के अंदर। और हमारे जो भाई हैं माशाल्लाह भोपाल के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त कबूतर उड़ा रहे हैं, अभी गर्मियों के माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। भाइयों के गर्मियों में भी जो उड़ा रहा है और सर्दियों में भी जो उड़ा रहा है, भोपाल के अंदर माशाल्लाह ऐसे ऐसे रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है कि लोग भोपाल वालों को भी, अब मतलब भोपाल वालों के रिकॉर्ड पे भी पहले लोग सोचते थे कि मजाक उड़ाते थे भोपाल का कई जगह, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 4-5 साल से अच्छे उठ के प्राइस के अंदर जो टारगेट आ रहा है सामने। ये मेरे उस्ताद हैं भाई शोबूफ इसरार खान के नाम से हैं, वो भोपाल के ही हैं, और मेरे जो दादा उस्ताद हैं प्रोफेसर सईद खुमारी यूही अबू धाबी, माशाल्लाह चैम्पियन है वो जी। और कुछ लोगों को लगता है कि मैंने उस्ताद, मेरे इसरार उस्ताद को छोड़ दिया है, तो वो गलत बात है भाई, ठीक है ना। मतलब जिसको जो लगता है, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद जी ने मुझे इस काबिल कर दिया है कि मैं अपनी भी उड़ा रहा हूँ, साथ में मेरे दोस्तों को भी उड़ाता हूँ कबूतर, अल्लाह ताला बस इज्जत दिलवा रहे हैं माशाल्लाह। आपके उरई के, आप तो माशाल्लाह उरई के ही हैं, तो वहाँ पर भी अकरम मास्टर को जानते होंगे। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से उनका सेकंड नंबर लग रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपन से ही जुड़े हैं भाई। वैसे मैं एक बात बता दूं, कई लोग मुझे क्या है उरई का भी जानते हैं, और कई लोग जानते हैं भोपाल का भी जानने लगे हैं, क्योंकि कई मेरी जो चंद वीडियोज़ हैं भोपाल की कंटिन्यू वीडियो आ रही हैं, ठीक है। और मैं जो रहने वाला हूं दोस्तों, वो हूं ज़िला जालौन का, और ज़िला जालौन के ही अंदर उरई आता है दोस्तों, ठीक है। उरई उरई का ज़्यादा नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि जहाँ का मैं हूँ वहीं का बताऊँगा। वीडियो की ऐसी है कि मैं वीडियो ऑल ओवर इंडिया बनाता हूँ, कोई भी मुझे कॉल कर सकता है, सेल्स शॉप किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों हम वहाँ आकर वीडियो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। और बहुत अच्छी तरीके से सभी लोगों का, जो कि ये कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जो है शौक नहीं करा पाते हैं लोग, और कई लोगों का ये होता है मानना और जानना कि भाई मेरी भी छत है, मेरी भी छत का कोई शौक कराया अगर, तो भाई उसके लिए हम बने हैं। आपको नंबर भी स्क्रीन पर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन कबूतरों। ये कौन सी मादिन है अपनी? ये अपनी भाई सारंगपुरी, अपन ने क्रास में ये अपनी जो नस्ल है कलसरे से क्रास करके बनाया, ठीक है। और उसके बाद में उड़ी कितनी है, क्या रिजल्ट है? इसको नहीं करा अपन ने क्रास, इसकी जो माँ आई थी ना भाई, मैं अमजद भाई हैं एक सारंगपुर, बहुत टाइम से सारंगपुर के कबूतर बेच रहा है, शुरू से ही काफ़ी टाइम है, और अमजद भाई को ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता, सारंगपुरों के माल वही बेचते थे सबसे ज़्यादा, तो उनके साथ जाके इसकी माँ लेकर आया था, वो कलसरे से निकाल के ये बनाई है। ये अभी गर्मी के अंदर 4:40 पे बैठी थी, पठान कबूतरी का जो प्राइस था अल्हम्दुलिल्लाह ये मिला था इसको। अच्छा जी,
माशाल्लाह ये देखें दोस्तों, सेटअप भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है माशाल्लाह। ये चेक करें अब आप लोगों को सौकरा कलर देखें इसका। ये देखें दोस्तों, और ये चेक माशाल्लाह ये देखें दोस्तों। अच्छा इसका नाम क्या है रिजवान, सॉरी आबिद भाई? भाई इसका नाम तो नाम कुछ भी नहीं है, वो तो ये टूर्नामेंट हुआ था पिछले साल। हाँ तो उसके अंदर क्या तीन चार प्राइज रखे गए थे, एक बच्चे का भी था। अच्छा। एक बहादुर कबूतर का भी था। हाँ। और एक पठान का भी था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक पठान का प्राइज इसको मिला था। हाँ। और जो अभी कल्चरल दिखाया था इसकी बहन को बहादुर का प्राइज मिला था। अच्छा। और एक तीसरा नंबर लगा था, एक टूर्नामेंट में तीन नंबर लगे थे अपने। तो ये कौन सी है अपनी मादन? ये भाई अपन की कलसरी, कलसरी मादन। और इसका रिजल्ट वगैरह क्या है? ये अभी पिछले टूर्नामेंट में भाई 2:43 में बैठी है भाई, 2:43 8:00 करके बैठी है। देखें ये देखें दोस्तों आप लोग कबूतर की, यहाँ ये अपने हाथ की ये बनाए हुए कबूतर है भाई। अच्छा तो इसमें माशाल्लाह बहुत शानदार, बहुत शानदार आँख। ये देखें दोस्तों बहुत जबरदस्त। और ये तो ऐसी वैसे अगर देखने में लगेगी तो ऐसा लगता है ऐसे ओड़ी ना हो बिल्कुल, कैसे कलर, ये कलर भी लगा हुआ भाई। हाँ बिल्कुल। और इसका पर्चा भी रखा हुआ माशाल्लाह बहुत शानदार। और ये देखें, ये देखें इसके ऊपर, ये देखो दोस्तों पर वगैरह, ये इसकी ये टेल भी देख लो भाई माशाल्लाह बहुत शानदार। ये कबूतर अल्लाह के हुक्म से ये अपन कबूतर कुछ बना रहे हैं ये वाले। अच्छा माशाल्लाह ये कबूतर की परफॉर्म दिखाएंगे आप। अरे माशाल्लाह ये कबूतर है, ठीक है आते हैं। और आबिद भाई ये कौन सी मादन लेकर आए आप? ये हमारे विशाल भाई हैं, विशाल भाई, विशाल यादव। हाँ अच्छा, तो ये उनने हमारे भाई को कुछ कबूतर जो भी दिया हो अपना, देखो वो भी अपना भाई है। हाँ। अपन इतना पूछते भी नहीं है अनिल भाई अपने भाई से, उनका जो भी है वो भी अपना भाई है। तो उसने कुछ कबूतर दिए थे, उसमें से एक मादा उड़ी थी सारंगपुरी। ये कितना टाइम करके आई थी? ये 2:00 पे बैठी थी भाई। ओ, और अभी बीमारी में बहुत सारे कबूतर मर गए मेरे। ओ, ये भी देखें आप, ये चेक करें दोस्तों। सबसे पहले आंखों का शौक कराएंगे आप लोगों को इस मादिन के। ये चेक करें दोस्तों, ये रही आप कबूतर माशाल्लाह। और अब आपको कराएंगे इसकी खड़ान का शौक दोस्तों, टेढ़ी हो चुकी है दोस्तों ये मादिन की। अभी कबूतर बीमारी में बहुत मर गया भाई मेरे। अच्छा अभी ये 2:12 पे बैठी थी भाई। 2:12 पे कलर भी देखें, ये टूर्नामेंट में बैठी थी गर्मियों वाले। अच्छा गर्मियों वाले माशाल्लाह बहुत शानदार। अरे अरे, और जो भी मैंने अभी जो बताया आपको ये गर्मी की उड़ाने बताई है भाई मैंने। अच्छा सर्दी मैंने बंद कर दी क्योंकि काम भी रहता अपना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, कबूतरबाजी करेंगे तो फिर भाई काम धंधा कैसे करेंगे अपन। तो इसीलिए सर्दी उड़ाना बंद, और टोटल गर्मी गर्मी टोटल गर्मी ही उड़ा रहा है अभी भाई 3-4 साल से। तो चलिए आप कराते हैं दोस्तों आप लोगों को नर की आंखों का शौक, नर कबूतर को, और जो है नर कितने के आउड़े हुए वो देखेंगे और वो दिखाएंगे। तो जो आबिद भाई ये कबूतर आपका कौन सा है और कैसा इसका रिजल्ट है ये बता जरा। ये माशाल्लाह मेरे घर का चैंपियन कबूतर है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस टूर्नामेंट में भी उड़ा है ना भाई, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस करता है ये कबूतर मेरा भोपाल के अंदर। मतलब जितने भी मतलब टूर्नामेंट होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज्यादा लोगों को मतलब इसकी उड़ान के बारे में मालूम है। इसका बाप है ना जो बाप टाइगर के नाम से मशहूर था भाई। अच्छा और ये किस नाम से है? ये तो इसका नाम नहीं रखा भाई, अपना शेर है बस, खाली से शेर बोलते हैं अपना। अच्छा माशाल्लाह बहुत शानदार। और ये गर्मियों की कितनी क्या उड़ान है? गर्मी का इसका भाई ये चार, ये टूर्नामेंट में तो भाई 2-2.5 बजे तक उड़ा हुआ है। अच्छा ये टूर्नामेंट में भी इसका 2:00 पे रिकॉर्ड है इसका। हाँ। और वैसे तो भाई ये गर्मी के अंदर 4-4 बजे तक उड़ चुका है लंबे। माशाल्लाह मतलब टूर्नामेंट के अंदर जो उड़ा वो आपने क्लियर बता दिया। माशाल्लाह बहुत वफादार कबूतर है मेरा। अच्छा अल्लाह के हुक्म से इस कबूतर ने मेरे साथ कभी भी खता नहीं करी, मैंने जब उड़ाया ना इंशाल्लाह जब उड़ा ये कबूतर माशाल्लाह बहुत शानदार। तो दोस्तों अब आप लोगों को जो है आके और ये चेक करें माशाल्लाह से, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह बहुत शानदार ओरिजिनल कबूतर दोस्तों, नो क्रॉस ओरिजिनल नस्ल गर्दे खोए कबूतरों की दोस्तों, बहुत लाजवाब। और कलर लगा वगैरह दिखाएं इसका, ये पर भी खराब हो रहा है इसके, ये देख लें भाई काफी टाइम से जो है पर आपने काटे वगैरह नहीं है कुछ इसके। माशाल्लाह बहुत शानदार पंजे दिखाएं जरा इसके। दोस्तों आप लोग जो वीडियो ये देख रहे हैं ये आबिद कुरैशी भोपाल वाले दोस्तों उनके यहाँ की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ये पंजे देख लें माशाल्लाह बहुत शानदार और बहुत लाजवाब कबूतर उड़ाते हैं ये टूर्नामेंट के अंदर दोस्तों। प्राइस भी वगैरह रखे हुए हैं, पर्चा भी दिखा देंगे दोस्तों
आप लोगों को सारे पर्चे दिखा देंगे कौन कबूतर कितने बजे तक का उड़ा हुआ है। दोस्तों अब तराते हैं नेक्स्ट कबूतर का सबको। ये देखें दोस्तों, ये रहा वो कबूतर, माशाल्लाह वो चला। तो ये जो आबिद भाई, ये कौन सा कबूतर है? ये अपने घर का गोल्डन कबूतर है, गोल्डन कबूतर, गोल्डन जीरेदार कबूतर है। अच्छा, ये अपने घर का बहुत पुराना पुरानी नस्ल है अपने घर की। अच्छा, इसका रिजल्ट वगैरह कैसे? इसका रिजल्ट ये भी टूर्नामेंट के। अच्छा, हाँ माशाल्लाह बहुत शानदार। तो इसकी सबसे पहले आंखों का शौक कराएं। ये देखें दोस्तों, आप लोगों को सेटअप वगैरह भी दिखाएंगे जो कि अबिद भाई झांसी सॉरी भोपाल वाले। दोस्तों ये चेक करें, माशाल्लाह बहुत शानदार, बहुत जानदार कबूतर दोस्तों, माशाल्लाह बहुत शानदार दोस्तों। और ये उड़ा हुआ कितना क्या है ये जरूर बताएं आप। ये सर्दी में भाई 4 से 5 बजे तक का उड़ा हुआ कबूतर है। और टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में भाई इसका नंबर ही नहीं आ पाया भाई उड़ाने के लिए। उड़ाने के लिए बहुत सारे कबूतर ऐसे हैं कि अपने घर पे मतलब आधे से ज्यादा कबूतरों का नंबर नहीं आ पाया। ये जो कबूतर है ना, ये देखें आप, बहुत प्यास कबूतर है। जो अपने छत पे कबूतर जो रखते हैं ना अपन, वही कबूतर उड़ाते हैं अपन का। ये नहीं है कि दिखाया कुछ और करा कुछ। सही बात, जो छत पे ये देख लो भाई, इन्हीं में से उड़ते हैं दोस्तों। ये सारे के सारे उड़ने वाले कबूतर हैं आबिद भाई के। दोस्तों भाई नंबर भी नहीं आ पाया अभी तो बीमारी में, मादी ने बहुत मर गई यार, तो कम मरे। बहुत शानदार। और दोस्तों आप लोग एक चीज और देख लें, ये सेटअप है ठीक है, और माशाल्लाह कितने सुकून से कबूतरों को रखा गया है यहाँ पर। ये चेक करें, ये देखें दोस्तों, बहुत लाजवाब कबूतर दोस्तों ठीक है। अभी जो है आप लोगों को इनको बाहर निकाल कर कराते हैं शौक आप लोगों को दोस्तों। ये चेक करें, ये सारे के सारे कबूतर हैं। और ये कबूतर कौन सा है? अच्छा, ये चेक करें दोस्तों, और आप लोगों को जो है एक और कबूतर का, लाजवाब कबूतर का शौक कराएंगे दोस्तों। और ये अपनी होम ब्रीड भाई, होम ब्रीड माशाल्लाह बहुत शानदार। अभी पौने 10 घंटे करके जो बहादुर का प्राइज उठाया वो इसकी भेज में पाया था भाई, पौने 10 घंटे गर्मी के अंदर। वो पठान भी है, पठान दिखाऊंगा जो 4:40 का गर्मी में बैठा था माशाल्लाह। 3:45 इसका नाम क्या है ये भाई? ये टाइगर ब्रीड के अंदर से ही है। अच्छा, टाइगर ब्रीड के अंदर से ही है माशाल्लाह बहुत शानदार। ये चेक करें, इसकी भी जरा आंखों का शौक कराएं रिजवान भाई, सॉरी आबिद भाई, मैं नाम भूल जाता हूँ दोस्तों बार बार में। ये चेक करें माशाल्लाह बहुत शानदार, बहुत जानदार दोस्तों। जर्रात देखें आंखों के, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कबूतर। और इसका बाप भी है ना भाई? अच्छा माशाल्लाह, उसके रिजल्ट वगैरह हैं कि नहीं भाई? मतलब अपन ने रिजल्ट में क्या, अभी इसके जो भी बहन भाई उड़ाए बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अभी गर्मी में, गर्मी का रिजल्ट है कि एक बहन 3:45 पे टूर्नामेंट में बैठी है, और एक 2:18 पर भी बताया था मैंने पर्चे में है, जो सबसे पहले शोक कराया वो भी इसी की बहन है। तो अपन क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ पतले भी बना रहा है और कुछ घेरे भी कर रहा है, कुछ हल्के भी कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, इसकी बहन का आप क्या बोल रहे थे? छोड़ दें इसको, छोड़ दें। इसकी बहन का आप क्या बोल रहे? कबूतर का जो प्राइस रखा गया था इसकी बहन को ही मिला वो। अच्छा अच्छा, भोपाल में अभी जो टूर्नामेंट हुआ था, ज्यादा उड़े हुए कबूतर का प्राइस था दोस्तों वो इसकी बहन का था, बहादुर कबूतर का था जो स्पेशल भोपाल में टूर्नामेंट में रखा गया था, जिसकी बहन ने उठाया। बहन अपने जो पुराना घर है टीले वाला, उधर जोड़ों में डली हुई है भाई, माशाल्लाह बहुत। नहीं तो उसका भी शौक करा था मैं आपको। तो अब जो है, अगर आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई हो, आबिद भाई के घर के कबूतर पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से भाई का हौसला जो है ना और बुलंद होगा भाई। माशाल्लाह बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आबिद भाई ने बात कही है दोस्तों। मैंने भी आप लोगों से पहले ही एक बात और बोल दी थी, कहीं भी कभी भी कहीं से भी कॉल कर सकते हैं आप लोग, सेल शॉप की वीडियो हम आपके यहाँ जरूर आकर बनाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।